मैनचेस्टर होम केयर सर्विस वालों से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। वे लोग हॉस्पिटल इक्विपमेंट एवं नर्स केयर टेकर जैसे सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, NIV मशीन, ये सभी उपकरण जरूरत के हिसाब से किराए पर बहुत ही कम खर्चे में घर पहुंचा कर देते हैं, जिससे आप अपने पिताजी की घर पर ही केयर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 888-9702-488 एंड 822-580-1507। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती बेनिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे आज राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और केंद्र सरकार के बजट पर पत्रकारों से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट एक सर्वस्पर्शी बजट है। समाज के हर वर्ग, गरीब, नौजवान, महिला और बुजुर्ग, किसान, सभी वर्गों के लिए यह बजट है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस बजट को जॉब ओरिएंटेड बजट कहा गया, जिसमें सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर खर्च करने की बात कही गई। कृषि क्षेत्र में मोटे अनाज को विकसित करने और उनके भंडारण बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट एक सर्वस्पर्शी बजट है। समाज के हर वर्ग, नौजवान, गरीब, महिला, बुजुर्ग, किसान, आपके सारे वर्गों को लेकर के चलने वाला, निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और तो और जो अपर क्लास है उनके लिए भी, सारे टैक्स पेयर के लिए, और सबसे जॉब ओरिएंटेड बजट है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे खर्च करने की बात कही गई है। कृषि क्षेत्र में मोटे अनाज को विकसित करने और उसका भंडारण बढ़ाने की ओर किया गया है, ध्यान दिया गया है। इस तरीके से ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एग्रीकल्चर और ये ग्रीन बजट जो है चारों तरफ से लाया गया है। इसका हम सब पूरे देशवासी इसका स्वागत कर रहे हैं। आने वाले समय में आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर की ये इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर बढ़ने वाला एक विकसित भारत देश बनेगा, ऐसी हम सबको अपेक्षा है इस बजट।